वेलकम टू राज रेल्स ब्लॉग। ताजमहल के अंदर अगर आपको प्यास लगे तो आप यहाँ पर इसके इस तरफ वेस्ट वाले गेट पर आएंगे तो इस तरफ आपको पानी की व्यवस्थाएं नले दिख जाएंगी ढेर सारे, जिसमें कि फ्रेंड्स एक ये भी नल है, देखते हैं पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स पानी आ रहा है पर बहुत ही हिट है। और फ्रेंड्स एक इस तरीके का नल है जिसको मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको चलाना है। फ्रेंड्स इसको चलाने के लिए आपको इसको टच नहीं करना है, इसके नीचे ही फ्रेंड्स आपको इस तरफ ये बटन मिलेगा, आपको इस बटन को प्रेस करना है। तो ये देखिए प्रेस करते ही पानी बाहर आ गया। फ्रेंड्स गर्म पानी दे रहा है, पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और एक फ्रेंड्स उस तरफ एक इस तरीके का दिया हुआ है नल। मैं आपको फ्रेंड्स सभी नलों को चलाने का टेक्निक बता देता हूँ कि आप परेशान ना हो। फ्रेंड्स देखिए एक ये नल है, इसको भी आपको फ्रेंड्स साइड में ऐसा बटन दिए हैं, इसको टिपना है और पानी आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं हूँ इस समय वेस्ट गेट हो रहा और मैं इस तरफ फ्रेंड्स पानी के नलों के पास में हूँ इस समय। और फ्रेंड्स मैंने प्राइस पता किया है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर फ्रेंड्स आप आते हैं ताजमहल घूमने के लिए तो आपको फ्रेंड्स पहले ऑनलाइन टिकट कटाना होगा, जो कि फ्रेंड्स 35 पे फेयर हैं ऑनलाइन टिकट के सामान्य टिकट, और प्लस 10 पे GST, मिला के 45 पे का टिकट आपका नॉर्मली मिल जाएगा, जिसको लेकर आप यहाँ पर ये ताजमहल गार्डन कहीं भी घूम सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें, मैंने ऊपर आपको बताया होगा कि फ्रेंड्स ताजमहल वो देखिए हो रहा ताजमहल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स उसके ऊपर जाने के लिए आपको 200 का टिकट लगेगी, यानी फ्रेंड्स कुल मिला के अगर बात करें तो फ्रेंड्स 250 की ऑलमोस्ट टिकट आपकी पड़ जाएगी, अगर आप ताजमहल के ऊपर और अगर ताजमहल को आप छूना चाहते हैं। फिर अगर आप ताजमहल को नहीं छूना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपका सिर्फ 45 ही रुपये में काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स ताजमहल के चारों तरफ आप घूम सकते हैं, सिर्फ ताजमहल को ऊपर से छूने के लिए 200 का टिकट लोग लगाए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं कैमरा की तरफ, कैमरा वाले के पास, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने फ़ोन से बहुत कोशिश किया फ़ोटो खींचने का, चारों तरफ घूम लिया फ्रेंड्स, कहीं से भी फ्रेंड्स सही फ़ोटो नहीं आ रहे। या तो आप गोरे हो जा रहे, या तो ताजमहल काला हो जा रहा है, या तो ताजमहल गोरा हो जा रहा है, आप काले हो जा रहे हैं, ऐसे ही फ़ोटो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी अगर आप फ़ोन से खींचते हैं तब। तो चलते हैं DSLR वालों के पास, देखते हैं वो कितने रुपये की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, कैसी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। पता नहीं फ्रेंड्स उन लोगों की फ़ोटो कैसे साफ़ आ जाती है। फ़ोन की तो फ्रेंड्स मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि फ्रेंड्स फ़ोन में कहीं से भी फ़ोटो अच्छी नहीं आने वाली है। मेरे बगल में आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ताजमहल का संग्रहालय यानी म्यूज़ियम है, जो इस तरफ भी है और फ्रेंड्स मुझे उस तरफ भी दिख रहा है। तो इस तरफ तो मुझे पता है फ्रेंड्स मैं, क्योंकि इसके अंदर से होके आ रहा हूँ। ताजमहल संग्रहालय म्यूज़ियम है फ्रेंड्स, कैमरा अलाउ नहीं है इसके अंदर, तो दोनों तरफ फ्रेंड्स म्यूज़ियम बने हुए हैं। फाइनली फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ ताजमहल के बाहर। और फ्रेंड्स फोटोग्राफी की बात करें तो फ्रेंड्स मोबाइल से खींची हुई फोटो आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी, और फ्रेंड्स DSLR से फोटो खींची हुई आपको शो हो रही होगी। तो फ्रेंड्स दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। फ़ोन से आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, फ़ोन से अच्छी फ़ोटो नहीं आने वाली है, या तो ताजमहल काला होगा या तो आप काले होंगे, और अगर आप DSLR से खिंचवाते हैं तो आपका बेस्ट से बेस्ट वो लोग फोटो आपको खींच के देंगे। और फ्रेंड्स प्राइस करें DSLR की, तो फ्रेंड्स DSLR में फ्रेंड्स 20 रुपये की एक फ़ोटो ये लोग खींच रहे हैं, अगर आप फ़ोन में सिर्फ लेते हैं तो। अगर आप फ्रेंड्स प्रिंट करवाते हैं तो एक फ़ोटो का 50 रुपये तक ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो 10 फोटो सिर्फ 150 में खींच के दे दिया, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बार्गेनिंग की थी, आप भी आके यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ताजमहल घूमने आते हैं फ्राइडे को, तो फ्रेंड्स फ्राइडे को ट्रिप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हर फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है, आपको कोई भी चांस नहीं है कि आप ताजमहल घूम सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स एक चांस है, मेरी दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक से आप मेहताब बाग से ताजमहल का सामने का हिस्सा, यानी कि फ्रेंड्स उस साइड से मेहताब बाग करके एक बाग है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेशन मेरी दी हुई अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।